वेलकम टू लीडर्स माय फैशन स्पॉट। इस वीडियो में आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बेल बॉटम का स्ट्रेचिंग बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेल बॉटम आपको कट करना, उसका पैटर्न एंड ड्राफ्ट बताया था, अब मैं आपको उसका स्ट्रेचिंग बताऊंगी। इससे पहले आपके मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। और अगर आपको लगता है कि हमारा स्टफ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगा तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फ्रंट पार्ट है, हम इनके जो क्रॉस लाइन है उसको हम स्टिच कर लेते हैं। कॉर्नर पर जाके आपने इसको टॉप स्लिप के साथ स्टिच को सिक्योर करना है। अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का क्रॉस लाइन हम स्टिच करते हैं। अब हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को सेंटर से जॉइन करना है। नीज के पास से ये जिस शेप में आपका कट हुआ हुआ है इसी शेप में आपने स्टिच लगाना है। दूसरे साइड से इसके पॉइंट जो दोनों पार्ट्स हैं हम उनको सीम लगाते हैं। बॉटम के पास से इसका जो फिटिंग पॉइंट है वहां से हम इसको स्टिच करते हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा हमेशा, जब हमने इसको कट करा था तो इस तरीके से इसकी ये थोड़ी सी ये शेप इस तरीके से आती है, आपने इस शेप में सिलाई नहीं करनी। अगर आप इस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे, अगर आप इसको यूं क्रॉस में लेके चले गए तो ये आपकी नोक बन जाएगी यहाँ पे, जो कि पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो स्टिच करना है वो बिल्कुल आपने स्ट्रेट स्टिच लगाना है। मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ, ये देखें, आपने इस तरीके से नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना आपने, आपने बिल्कुल इसको यहाँ से स्ट्रेट करते हुए एंड देन
यहाँ से जो आपका नी का जो कर्व पॉइंट था वहां से कर्व ही शेप देते हुए फिर आपने इसको ऊपर अपने क्रॉस एरिया से ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच नहीं किया बिकॉज ये हम जब इसको बॉटम फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा हमारा। के पॉइंट्स जो है उनको मैच करते हुए फिर आपने आगे बढ़ना है। Let's press it. Okay, अब ये बिल्कुल प्रेस होके रेडी हो गया राइट। अब हमने क्या करना है, जो इसकी टोटल वेस्ट है उसका पूरा राउंड हमने कपड़े का लेना है और जिसकी जो चौड़ाई होगी वो आपके इलास्टिक के अकॉर्डिंग होगी। यानी अगर आपका इलास्टिक इतना है तो आपने इसको इस तरीके से देखना है कि ये आपका पूरा ऐसे आ जाए एंड ये आपके पास 0.5 का मार्जिन आ जाए राइट। इसमें जो इलास्टिक जो टोटल हम लोग इलास्टिक का जो साइज होता है इलास्टिक का वो ये होता है कि टोटल जो हमारा वेस्ट होता है ऑल ओवर द वेस्ट होता है उसमें से हमें -5 और -4 करना होता है राइट। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने टोटल वेस्ट में से पहले उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। सपोज आपकी टोटल वेस्ट 36 है, आपने उसको डिवाइड करना 2 से तो आपके पास आएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18, यानी 18 इंच आएगा। तो 18 में से आपने 2 इंच माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 16 इंच। यानी कि आपका जो बैक साइड है जो आपकी कमर है टोटल, मैं उसको इजी लफ्जों में बता देती हूँ, आपका जो टोटल कमर है कमर का आपने सिर्फ बैक वाला हिस्सा जो आपके यानी कि ऑल ओवर नहीं, आपने वन साइड अपनी कमर का साइज लिया उसमें से आपने -2 कर दिया, वो आपके हाफ इलास्टिक बेल्ट का साइज हो जाएगा राइट। So let's just start stitch. ये ट्राउजर आपका सीधा है और जो इलास्टिक का जो बेल्ट का आपका फैब्रिक है वो भी बिल्कुल सीधा आएगा और आपने इसको यहां से ऐसे आप इसको जो इलास्टिक का फैब्रिक था, देखिए मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था, मैंने इसको बीच में से जो है सेंटर में मैंने इसके ज्वाइंट लगाया है ठीक है। अब आपने सेकंड तरफ भी जो सेकंड साइड है वहां पे भी आपने इसको स्टिच लगा के एक राउंड शेप दे देनी है। डबल स्टिच करते हैं इसको। अब हम इसको ट्राउजर के साथ अटैच करते हैं। पहले आपने इसका सिंगल सीम लगाना है, वन थिंग मोर, जो भी फ्रंट का एरिया है आपका अगर आप चाहते हो तो आप अपने फ्रंट वाले एरिया पर जो है आप लास्ट वो सॉरी फ्यूजिंग पेपर आप इस पे स्टिक कर सकते हो। मेरे क्लाइंट के डिमांड नहीं है यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर,
दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा, अदरवाइज आप जितना चौड़ा आपके पास इलास्टिक है उतनी ही चौड़ी आपने फ्यूजिंग पेपर की यहाँ पे पट्टी कट करके आपने उसको स्टिक कर देना है। ये देखिए ये हमारा जो बेल्ट है उसका वन साइड हमने इसको स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब हम इस पे अपना इलास्टिक फिक्स करते हैं। इलास्टिक फिक्स करने के लिए देखिए ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट पे हमें जितना इंच का बेल्ट छोड़ना है, मेरे को यहाँ पे 7 इंच का छोड़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट पे 7 इंच का मार्किंग कर लिया है एंड देन 7 इंच पे मैं यहाँ पे अपने इलास्टिक को रख के इलास्टिक को स्टिच करूंगी। अब मैं इस तरीके से इसको टर्न आउट करते हुए, इसको ऐसे टर्न आउट करते हुए मैं इसको यहां से मेक श्योर आपके इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। यहां से हम अपना स्टिच लगाना शुरू करते हैं। अपने इलास्टिक को खींचते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कीजिए। बहुत ही सॉफ्टली हैंड के साथ आपने इसकी फोल्डिंग करनी है।
जब आप फ्रंट बेल्ट की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपने इलास्टिक को स्टिच कर देना है। Look at this. ये फ्रंट से इसका जो है ये इलास्टिक है, यहाँ पे आप चाहो तो फ्यूजिंग पेपर राइट कर सकते हो एंड दिस इज योर बैक साइड। आप चाहो तो इलास्टिक के ऊपर सेंटर में एक स्टिच लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। उम्मीद है आपको अभी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।